हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। जैसा कि आप सबको पता है, सीएससी भी जेई इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आ चुका है और इसमें अपन टॉपर स्टॉक में बात कर रहे हैं। वन बाय वन जितने भी रैंकर्स हैं सबका इंटरव्यू आपको मिल रहा होगा, तो आज इसी सीरीज में अपन मिलने वाले हैं। क्या सर, एक टॉपर से मैं आपको मिलाऊंगा जिसका जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, जब आप तैयारी करते हो ना और जब आप बीटेक करके कॉलेज से निकलते हो एज अ फ्रेशर निकलते हो ना, और तब जब आपकी प्रिपरेशन फेज होता है उस टाइम में ना, तो उस टाइम में चीजों को मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको मजबूरी हो जाती है चीजों को तैयार करना। लेकिन जब आप फ्रेशर निकलते हो ना, तो आपको लगता है सर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस चीज को करने के लिए आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, उस प्रॉपर डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा अपने गोल को लेकर के जो आपने फिक्स किया है। इन सारी चीजों पे बात करने वाले और ये सारा चीज अभी आपको क्लियर करने वाले हैं आज के जो हमारे टॉपर स्टॉक में मिलने वाले हैं। वो मिलने वाले हैं शिवांजल शर्मा। सब कुछ बताएंगे आपको कैसा जर्नी रहा, किस तरह चीजों को हासिल किया है। वेलकम शिवांजल, वेलकम पूरा जेनिक टीम की तरफ से आपको। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, आपने इतना थैंक यू अच्छा सो रैंक मच सर। लेके थैंक आया। चलिए यू सबसे सर। पहले आप ये बताइए, जो ब्रीफ में बताइएगा अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर अपन जर्नी पे स्विच करेंगे जो किस तरह से सीएससीबी जेई का प्रिपरेशन का जर्नी रहा आपका, विद्युत बैच में किस तरह से चीजों को एंजॉय किया, हर पहलू पे वन बाय वन बात करने वाले। सबसे पहले ब्रीफ में अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए थोड़ा। सर मैंने अभी 2021 में ही बीआईटी दुर्ग से अपना बीटेक कंप्लीट किया था। अच्छा। एंड अभी मैं एज अ जीएटी ऑफ एचपीसीएल रायपुर में अप्रेंटिसशिप कर रहा था। अच्छा। और इसके बाद अभी जब जब आप सीएससीबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे, मतलब आई यस थिंक सर। इसका इसका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आया था वो पिछले साल जुलाई में ही आया था, आई थिंक जुलाई के यस मंथ सर। में ही आया हुआ था। तो उस समय आप क्या कर रहे थे, किस सिचुएशन में थे, प्रिपरेशन फेज में थे या बस जस्ट कॉलेज से पास आउट होके आए थे आप? यस सर, जस्ट पास आउट ही हुआ था तो मेरी गेट की प्रिपरेशन चल रही थी। मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, बट अच्छा, गेट देन का प्रिपरेशन स्टार्ट। नोटिफिकेशन, हाँ सर, हाँ देन हाँ बताइए। जब सीएसईबी का नोटिफिकेशन आया तो मैंने बोला ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैंने तुरंत गेट बिल्कुल से बिल्कुल। सीएसईबी के लिए स्विच किया। अच्छा, मतलब गेट का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट ही करा था, फाइनल हाँ सर। ईयर के बाद गेट का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया था, लेकिन तब तक नोटिफिकेशन मिला आपको और आपने स्विच यस किया सर। सीएसईबी जेई पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हर बच्चे के मन में डाउट आएगा, जो आखिर जेनिक ही क्यों, जेनिक को ही यस क्यों चूज किया आपने? सर। सर मैं चाहता था कि एक मींस अगर छत्तीसगढ़ का एग्जाम है तो मैं एक छत्तीसगढ़ बेस्ड एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहता था। और पंकज सर से मैंने मशीन्स का स्टडी किया हुआ था तो मुझे आइडिया था जेनिक का। अच्छा, तो जैसे बिल्कुल ही जेनिक बिल्कुल। ने अनाउंस किया कोर्स मैं तुरंत ले लिया था मैंने। अच्छा, हाँ, गुरु पूर्णिमा के रोज अनाउंस हुआ था आई थिंक उसी दिन, और उसके बाद से यस सर। आई थिंक जो बैच स्टार्ट हुआ था वो आपका 5 सितंबर से स्टार्ट फिफ्थ हुआ था ना। सितंबर यस सर। आपकी तो अब क्लास जब, थी किस? हाँ मैं बिल्कुल, मेरा डिजिटल का क्लास था। तो अब जब जर्नी स्टार्ट हुआ था तो कैसा रहा था आपका जर्नी, वो जो शुरुआत का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट होते गए, तो इस चीजों को कैसे मैनेज किया आपने, कैसा सिचुएशन था उस टाइम में, क्या आपको लग रहा था चीजों को मैनेज कर लेंगे अपन? इससे पहले आपका जो एक कैटेगरी होता है ना स्टूडेंट का, जो हम ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर, हम एवरेज स्टूडेंट है सर, हम थोड़ा लोअर कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आप अपने आप को रखते थे इससे पहले कॉलेज लाइफ में आप? सर मेरे अकॉर्डिंग ये था कि जब हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट टाइम में हमें समझ तो इजिली आ जाता है, बट हाँ, रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि टीचर्स जब अच्छा पढ़ाते हैं तो अगर पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ वो पूरा समझ में आ जाता है, बट जैसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं और अगर रिविजन नहीं किया तो वो पहला सब्जेक्ट वापस से मिस आउट होने लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं और रिविजन यही, में ज्यादा फोकस हूँ। हाँ, और यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब उनका पहला यस सर। सब्जेक्ट कंप्लीट होता है ना तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, नो डाउट। अगर उस टाइम में उसका टेस्ट हो तो फिर 100%, 100 में 90% यस से सर। कम किसी का नहीं आता था और आप लोगों का भी नहीं आता था उस टाइम में सर, पूछ लो सब्जेक्ट। लेकिन जब ये सब्जेक्ट 1 month हो गया, 2 month हो गया, जब एक्स्ट्रा दो और सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, तब आपको ये सब्जेक्ट कितना आता है, इस सब्जेक्ट का कितना टॉपिक याद है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस सब्जेक्ट के यस कॉन्सेप्ट को सर। आप ट्रेस कर पा रहे हो कि नहीं? तो जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे, मान लो एक सब्जेक्ट सबसे पहले डिजिटल हो गया था, कंट्रोल हो गया था, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया, तो अब इस चीजों को मैनेज कैसे किया आप, रिविजन को और साथ ही साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप कंप्लीट कर रहे, तो उस सारी चीजों को कैसे मैनेज किया, थोड़ा गाइड कीजिएगा अपने सर जूनियर्स को। मैं इसमें रिविजन में ये मैं शॉर्ट नोट्स में फोकस करता था। मींस जो ब्रॉड पॉइंट्स होते हैं वो तो याद रह जाते हैं, बट कुछ कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं जो मिस करते हैं हम। तो मैं अच्छा, शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ सर। सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाया था आपने ड्यूरिंग द यस सर। रिवीजन, जब आप पढ़ते थे तो यस सर। रिवीजन के दौरान शॉर्ट नोट्स रिविजन बनाते थे, उसी का यूज किए थे आप?
और इसी तरह बात आती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि आई थिंक ये जो बैच था वो 6 मंथ का था, बैच ओनली 6 मंथ वैलिडिटी था और शॉर्ट टर्म हम लोग क्रैश कोर्स के फॉर्म में ही लॉन्च किए थे इसको, तो हम लोग दिसंबर तक वैलिडिटी दिए थे बच्चों को, मैक्सिमम दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्सेज, तो बच्चे लास्ट में पैनिक करने लगे थे और हो सकता है आपके मन में भी ये सारी ख्याल आ, तो सर अब तो सर दिसंबर आ गया है अभी तक एग्जाम में सर डेट नहीं आ रहा, क्योंकि मिड ऑफ दिसंबर तक कोई चांसेज ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन अचानक से जब 22 दिसंबर को डेट अनाउंस हुआ उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था, अब क्या हो गया मेरे साथ, अब क्या करेंगे, सेम सिचुएशन अभी है एसएससी जेई वालों का, जो स्टूडेंट को लग रहा था ना एसएससी जेई का मार्च 2023 में पेपर होगा और अभी नवंबर में पेपर हो रहा है ना, सेम सिचुएशन है, हाँ सेम सिचुएशन है, थोड़ा इस सिचुएशन को बताएगा कैसे चीजों को हैंडल किए थे आप। तो वो जो लास्ट टाइम में पैनिक सिचुएशन, हाँ लास्ट टाइम में जब पैनिक सिचुएशन था, इस सिचुएशन कोई नहीं कट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यही सिचुएशन अभी भी है एसएससी जेई का जो है अभी एग्जामिनेशन, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो आपको पता होगा ये 2021 का वैकेंसी और ये 2022 का कैलेंडर रिलीज किया अभी जो है, दोनों अलग चीज है, अभी तक एसएससी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है इसका, बाकी जो होता है एसएससी वो तो अलग बात है, वो तो आएगा उस पे अपन आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, तो आप जो लास्ट टाइम था जो 22 दिसंबर को जो आ गया था आपका एग्जामिनेशन डेट, जो 5 जनवरी 6 जनवरी और 10 जनवरी को आपका पेपर होने वाला, ये 15 to 16 days कैसे मैनेज किए थे आप, ये 15 से 16 दिन में कैसे आपको लगा था चीजें मैनेज हो जाएगा, इतना इतना जो सब्जेक्ट पढ़े हैं हम 4 to 5 months में, कैसे मैनेज किए थे आप चीजों को, थोड़ा इसको बताइएगा। कैसे बताया सर, जैसे मैंने बताया कि मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे लिए उतना पैनिक सिचुएशन नहीं प्रोड्यूस हुआ क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, तो मुझे बिलीव था कि मैं 15 दिनों में इजिली रिविजन मेरा हो जाएगा, और मेरा रिविजन क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस में था तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई इसमें। मतलब आप जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा था उसके साथ साथ उसका शॉर्ट नोट फिनिश करते जाते थे, यस सर, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट, यस सर, ये भी सारे बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो अगर आप कहीं पे क्लास कर रहे हो कभी भी पढ़ रहे हो ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते शॉर्ट नोट्स, ये आपको इस टाइम पे काम किया, जो शिवांजल ने किया था आखिरी में, जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है शॉर्ट नोट्स क्लियर होना चाहिए आपको और कंप्लीट होना चाहिए, उसको किसी भी तरह पेंडिंग नहीं रखना है, और अगर पेंडिंग रहता ना तो आप भी पैनिक करते उस सिचुएशन में जब 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया था आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो गया था, लेकिन आपने पैनिक नहीं किया क्योंकि आपके पास वो शॉर्ट नोट था रिविजन करने के लिए, कंटेंट रेडी है सर और आप उसको बार बार देख भी रहे हैं, तो चीजें फ्रंट पे था आपका और फिर चीजों को सारे को माइंड, हाँ बताइए सर, और साथ में मींस जेनिक ने रिवीजन क्लासेस भी अरेंज की हुई थी, तो वो भी काफी हेल्पफुल था। अच्छा हाँ, उसको भी इंजॉय किया था। बाकी टेस्ट सीरीज आप कैसे मैनेज किए थे, आपने टेस्ट सीरीज दिया था कि नहीं, टेस्ट सीरीज दिया था? नहीं सर, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था, मैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन जो जेनिक की टीम के यूट्यूब चैनल में है तो मैं उस पर फोकस किया था, मैंने सारे प्रीवियस ईयर जो अदर स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर, अब बाकी जो सीट हम लोग प्रोवाइड करवाए थे क्या इस सीट से बाहर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे या उतना सीट लगाए थे मोर देन सफिशिएंट जितना हम लोग प्रोवाइड करवाए थे हर सब्जेक्ट में? हाँ सर, वो मुझे ऐसा लगा कि मोर देन सफिशिएंट था, वो सीट्स में काफी क्वेश्चंस थे। हाँ हाँ, मैंने सीट पूरे सॉल्व किए थे। अच्छा, सीट पूरा सॉल्व किए थे, बिल्कुल, उसमें सारे ऑलमोस्ट हम लोग जो है कुछ अपने फ्रेम किए गए क्वेश्चन, कुछ अदर स्टेट का जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जेईई लेवल का, सारे सीट में इंक्लूडेड है, सारे कोर्सेज में हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं, डेफिनेटली विद्युत बैठ में भी हम लोगों ने ट्राई किया था। अब बात आती है एग्जामिनेशन जब शेड्यूल हो गया, तो आपका एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रेटजी था, जब आपका 5 जनवरी का पहला शिफ्ट था आपका और पहले दिन का प्रेशर समझ सकते हैं, पेपर कैसा भी है लेकिन वो अंदर का जो फियर होता है ना, एग्जाम देने जा रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, ये जर्नी चलता आ रहा है 6 to 7 months से, मेरा ड्रीम है सीएससीबी जेई में एक सीट लेना, तो कितना प्रेशर था, कैसे हैंडल किए थे एग्जामिनेशन हॉल में आप सारी चीजों को? हाँ सर, प्रेशर तो था बट मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टडी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 90 तो मुझे आते ही होंगे, जो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही होंगे जो ट्रिकी हो सकते हैं, बिल्कुल मैं काफी कॉन्फिडेंस गया था एग्जाम पे, और देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये तो बन गया। मुझे याद है मैंने मींस 2 घंटे का पेपर था, मैंने 20 मिनट पहले ही पूरे 100 क्वेश्चन एक बार कवर कर लिए थे। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप पेपर में? सर मैंने पूरे 100 किए थे, मैं इतने कॉन्फिडेंस गया था। यस सर, अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारा जनरल साइंस था बस उसमें ही थोड़ा डाउटफुल था क्योंकि टाइम उतना नहीं मिला था कि जो जीके प्रिपेयर अच्छे से हो पाए, बाकी टेक्निकल तो पूरा क्लियर। हाँ, नॉन टेक वाला पोर्शन थोड़ा इंजीनियर का कमजोर होता ही है, जो टेक्निकल में जाते हैं उसका नॉन टेक पोर्शन एवरेज होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, बाकी जो नॉन टेक फील्ड में जाते हैं इंजीनियर उसका नॉन टेक फिर बहुत अच्छा होता है। ओके, तो अब बात आती है आपने एग्जामिनेशन हॉल से निकला तो क्या रिएक्शन था आपका, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर अभी भी थोड़ा 50-50 है सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा वाला सिचुएशन था? सर खुशी तो बहुत थी क्योंकि पेपर बहुत अच्छा गया था, मींस देते ही समझ आ गया था कि ये तो सिलेक्शन वाला पेपर है। अच्छा,
तो जब रिस्पॉन्सिट इसका आया था, आई थिंक रिस्पॉन्सिट जब मिला था तो कितना स्कोर आया था उस पे आपका? रिस्पॉन्सिट जब आया था तो यस सर, मेरे 100 में से 85 क्वेश्चन सही हो रहे थे। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रिस्पॉन्सिट आ गया, सब कुछ हो गया, अब इंतजार थी रिजल्ट की, जो सर रिजल्ट कब आया। और फाइनली सीएसईबी ने सारे रिजल्ट दिए, सिविल के दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के दिए, सीएस के दिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों का रिजल्ट पेंडिंग मिले दिए थे, पेंडिंग था। आपको लग रहा होगा ना जो सर छोड़ देते हैं, सर कुछ और करते हैं, वैसे आप एचपीसीएल में कर भी रहे हैं अप्रेंटिसशिप, आपको लग रहा होगा सर छोड़ देते हैं कुछ और करते हैं, जब आएगा देख लेंगे, फिर ऐसा भी मन में ख्याल आने लगा था क्या आपको? बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा हाँ सर, काफी डिले हो रहा था रिजल्ट। हाँ, तो क्या कुछ और साथ में तो बताइए। हाँ सर, अब ऐसा था कि अदर बाकी जो इतनी भी अब एजे की वैकेंसी आती है उसके लिए भी प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इसका रिजल्ट कब आए। हाँ, सेकंड थॉट एक मन में, हाँ सब सारे बच्चे के मन में था, जितना भी बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चा सर कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन फाइनली हम लोग भी इंतजार करते, ट्राई कर रहे थे, तो यही नोटिस बार बार मिल रहा था जो 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग प्लान करते हैं, कुछ जो किया जा सकता है हम लोगों के थ्रू वो डेफिनेटली हम लोग करते हैं, लेकिन 30 जून को फाइनली आ गया था रिजल्ट। तो रिजल्ट के बाद क्या था रिस्पॉन्स आपका, पहला जो एक्सपीरियंस होता है वो माहौल कैसा था, रिजल्ट कैसे देखे थे आप? ऐसा मैं जैसे ही मींस 5:30 को अपने ऑफिस से निकल रहा था, फ्रेंड का कॉल आया मेरे की रिजल्ट अनाउंस हो गया है, देखो। उसने बताया कि 19 रैंक है, मैंने बिलीव नहीं किया, फिर मैंने चेक किया, तो फर्स्ट कॉल मैंने फादर को किया अपने, फिर बहुत खुश थे सब। गर्म अच्छा अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब बात आती है अब नेक्स्ट जो गोल है आपका, क्या सीएससीबी जेई में ही रहना है या फिर और कोई गोल अभी बनाए हैं सर, और भी कुछ करना है अभी नेक्स्ट सर? मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का टारगेट बनाया है, उसके लिए प्रिपरेशन साथ ही साथ। अब यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ईएससी को बिल्कुल टारगेट कीजिए, अभी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ गया होगा आपका भी। यस सर, आ गया। यस सर, अच्छा 16 को शेड्यूल है, चलिए बहुत सारे बच्चे का है, बिल्कुल आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और डेफिनेटली अच्छा करने वाले हो आप सारे लोग। बाकी आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर का गोल है ईएससी, बिल्कुल आप लगे रहिएगा तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि अब तो आपके सपोर्ट में है, आप ऑलरेडी सीएससी जूनियर इंजीनियर है, तो वहां पे भी थोड़ा अच्छे से चीजों को मैनेज कीजिएगा, बाकी हो जाएगा, लगे रहिएगा तो चीजें हासिल होती है। ये चीज आपने कर दिखाया है, यहाँ पे भी कर दिखाया है, डेफिनेटली आप लाइफ में जो भी बोल सकते हो डेफिनेटली वहां पे भी करोगे, क्योंकि चीजों को करने का तरीका पता चल गया ना आपको, जब किसी भी लोग किसी भी इंसान को चीजों को करने का तरीका पता चल जाता है ना, तो फिर वो करना बहुत आसान हो जाता है, और आपने वो कर दिखाया है, तो डेफिनेटली जो आपका अगला गोल है ना डेफिनेटली वो भी क्रैक होगा। हमारी पूरी जेनिक टीम की तरफ से बेस्ट विशेज फ्यूचर के लिए, और वंस अगेन कंग्रेचुलेशन आपको, आपने इतना अच्छा रैंक लेके आया है सीएससीबी जेई में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।